जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोविडेंट स्टडी में। दोस्तों, हाल ही में जो भी उत्तराखंड के चमोली में हादसा हुआ है, उसके बाद न्यूज़ निकल के आ रही है जो ग्लेशियर लेक है सतलुज बेसन में, वो भी राइज कर रहे हैं। और ये भी करंट में इतने राइज कर चुके हैं जो इनकी संख्या वो 562 तक हो गई है सतलुज बेसन के ऊपर, और जो लोएस्ट है वो है रावी बेसन के ऊपर 37 इन हिमाचल। और जो सतलुज बेसन है उसके ऊपर जो एसपी गवर्नमेंट के जो मेन प्रोजेक्ट है, मेन की बात कर रहे हैं, वो है करछम, नाथपा और बसपा। मान लो अनफॉर्चुनेटली जैसा हादसा अभी चमोली में हुआ, अगर यहाँ पे हो जाता है तो जो ये प्रोजेक्ट है उनको, इनके आसपास के जो भी कोई अगर विलेज है, लैंड है, उन सबको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो देखते हैं आखिर ये जो भी ग्लेशियर बस्ट हुआ ये कैसे हुआ, मतलब क्या पॉसिबल कॉज हो सकते हैं या कैसे हुआ है वो देखते हैं, और ये ग्लेशियर ब्रस्ट होता क्या है वो देखते हैं। ये है उत्तराखंड का मैप जो दो डिवीज़न में डिवाइड, एक गढ़वाल और एक कुमायूं। और जो अभी हादसा हुआ है वो है गढ़वाल रीजन में, ये यहाँ पे चमोली में। अब चमोली में जो एक पीक है नंदा देवी पीक, वो हमारे भारत की सेकेंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। तो जो नंदा देवी पीक है वहाँ, उसके पर्टिकुलरली नंदा देवी की बात कर रहा हूँ मैं, उस पर 7 ग्लेशियर है, जो तीन है वो नॉर्थ को फेस करते हैं, तीन है साउथ को फेस करते हैं, और एक है वो वेस्ट को साउथ फेस करते हैं। लेकिन जो साउथ में है उनमें से दो है हैंगिंग ग्लेशियर। तो साइंटिस्ट का मानना है कि जो वो दो ग्लेशियर, दो हैंगिंग ग्लेशियर थे, उनमें से हो सकता है कि ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम जो ये हैंगिंग ग्लेशियर होते हैं उसमें डिपोजिशन ज़्यादा होता रहता है, तो उससे कुछ टुकड़ा ब्रेक हुआ होगा और वो ग्लेशियर लेक में जैसे ही वहाँ पे गिरा होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लेशियर लेक बनी हुई ही होती है, जैसे उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उस वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट भी बढ़ जाता है। और जैसे प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा जो मोरेन होते हैं वो भ्रष्ट हो जाता है, और उसकी वजह से जो पूरी लेक है ग्लेशियर की वो भी भ्रष्ट हो जाती है। अब बाकी थोड़ा आगे इमेज में दिखाता हूँ कैसे होता है। मान लो ये है इधर ग्लेशियर होगा कोई ऊपर, तो यहाँ से जो बर्फ है वो फ्लो कर रही होगी, यहाँ पे है ये आउटवॉश, ये है टर्मिनल मोरेन। अगर ये आउटवॉश है इसका थोड़ा थोड़ा करके रिसाव होता रहा तब तो ठीक है, विद कोर्स ऑफ टाइम यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम डिपोजिशन नहीं हो पाएगी, बिकॉज जो यहाँ पे जो आउटवॉश है वो हो रहा है, लेकिन ये ब्लॉक हो गया। जैसे ये ब्लॉक होगा इसके ऊपर वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता रहेगा कुछ टाइम के बाद वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर ग्रेडियंट भी बढ़ जाएगा, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा कुछ टाइम के बाद जो ये टर्मिनल मोरेन है ये ब्रस्ट हो जाएगा, जैसे ये ब्रस्ट होगा उसके बाद जो भी इसके रास्ते में कुछ भी आएगा सबको अपने साथ ले जाएगा, और इसको बोलते हैं अवलांच है, जो मतलब बर्फ वाला पानी होता है। और विद दिन टाइम और ये ऐसा रूप ले लेता है जैसा अभी हमने हाल ही में देखा। मान लो ये इधर लेक, ये लेक पूरी बनी हुई है। अब अभी जैसे अभी तो कांस्टेंट है इसका वॉल्यूम जितना भी हो, जैसे इसके ऊपर कोई ग्लेशियर एक भी टुकड़ा पड़ा और उसका जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, और ये जो इसका प्रेशर है अपने पीक पर पहुंच गया है, इसका प्रेशर ग्रेडिएंट और बढ़ेगा, ये कहीं से ब्रेक हो जाएगा, उस ब्रेक होने की वजह से जो भी इसके रास्ते में आएगा सबको अपने साथ ले जाए, इसको बोलते हैं फ्रेंड ग्लेशियर ब्रस्ट। जो अभी उत्तराखंड में हुआ तो वहाँ से ऐसा ही देखने को मिला है, जैसे कि जो ग्लेशियर लेके वो कोई ब्रस्ट हुई है, और जो वहाँ से जो अवलांच निकला वो गिरा है त्रिशूली गंगा में, जो धौली गंगा की एक नदी है, उस त्रिशूली गंगा में जैसे वॉल्यूम बढ़ा वो सारा पानी फिर आगे जाके धौली गंगा में मिल गया, और एकदम से उसने बाढ़ का जैसा रूप ले लिया। तो ये था फ्रेंड्स ग्लेशियर बर्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।